हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच फंसी जसपुर की छात्र धैर्यवी रोमानिया से गुरुवार सुबह अपने घर पहुंची, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। छात्र और उसके परिजनों ने रोमानिया में शरण देने वाले परिवार और भारत सरकार का आभार जताया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता हालचाल जानने पर हर छात्र के घर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आस पड़ोसी और समाज सेवी बच्चों का स्वागत कर छात्रों के परिजनों का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वहीं यूक्रेन से लौटे अन्य छात्रों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। भारत वापसी पर सभी ने भारत सरकार का आभार जताया। मैं यूक्रेन में इवानो फ्रैंकलिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और मैं वहां पर दूसरे ईयर में पढ़ता हूं और मेरी अभी एक महीने की पढ़ाई बाकी है और मेरा अभी 6 साल का वहाँ पर कोर्स है। मेरे अभी 4 साल की पढ़ाई वापस है। हमने बमबारी को देखते हुए अपने वतन वापस लौटने का फैसला किया और थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हम अपने वतन इंडिया अभी आ चुके हैं और बमबारी तो वहाँ पर अभी भी हो रही है, पर हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फ्लाइट मिली वहाँ से। हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर उसके बाद अपना थोड़ा रात का समय तय करके हम अपने घर पहुँच चुके हैं। सर, दिक्कतें तो हमें बहुत हुई हैं, पर ये उसका हम शुक्रगुजार हैं कि हमें फ्लाइटें जो है हमें फ्री कर दी गई रतन टाटा जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया कि हम बच्चों के लिए फ्लाइटें फ्री करेंगे। मैं अभी फिलहाल सेकेंड ईयर में हूँ, तो लगभग 2 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए और अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे मैं 26 तारीख से वहाँ पर आई हूँ और 24 तारीख से वहाँ पे वॉर शुरू हो गई थी, तो एक्सप्लोजन बॉम्बिंग ये सब चल रहा था। तो लगभग 26 की सुबह हम वहाँ से चले थे रोमानिया बॉर्डर की तरफ, फिर वहाँ पर घंटों लाइन वगैरह में लगने के बाद बहुत मुश्किलों के बाद फिर रोमानिया के बॉर्डर से निकले हम वहाँ पर, फिर एयरपोर्ट के पास पहुँचे और वहाँ रोमानियन फैमिली के साथ रहे। फिर वहाँ से एक दो दिन बाद एयरपोर्ट के लिए निकले। वहाँ पे सारी मदर सरकार के द्वारा ही है, उन्होंने एम्बेसी से बात करी, रोमानियन एम्बेसी, यूक्रेनियन एम्बेसी और रशियन से भी, कि हम लोगों को वहाँ से सेफली निकाला जाए। और फिर वहाँ पर उन्होंने प्लेन्स अवेलेबल कराए, इनफैक्ट C-17 एयरक्राफ्ट, उससे भी बच्चे आए हैं।